पैर जल रहे हैं बाहर इतनी गर्मी में। कह रही बाबा भगवान कहाँ से इतनी गर्मी आ गई। गर्मी तो पड़ती है हर साल, पर इतनी गर्मी नहीं देखी मैंने। बहुत ज़्यादा वाली गर्मी पड़ रही है, पता नहीं मुझे महसूस हो रही है या हो ही रही है, पता नहीं आप लोगों को। मुझे तो हर साल से ज़्यादा इस साल मुझे गर्मी का एहसास ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि इतनी कैड़ी धूप, इतने पैर जलना। कभी हम बाहर निकलते तो पैर नहीं जलते थे, अब सवेरे में जो गई तो ज़मीन पे पैर जल रहे थे। कूलर और एसी चला रखे हैं, क्या करें। आपको भी ऐसे एहसास हो रहा होगा तो दिखाते हो आपका मम्मी पापा क्या कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, तो चल रहा है प्रोग्राम नाश्ते का, पराठा, छोले की सब्जी, चाय, ब्रेड, बिस्किट, मिक्सचर। तो आज अन्नी के पापा किचन में घुस गए। कल इन्होंने मुझे जब देखा ना इतनी गर्मी में, तो इन्होंने कहा कि आज मैं देखता हूँ कितनी गर्मी है किचन में, तो आज मैं नाश्ता बनाता हूँ कुछ अपने को। तो इन्होंने अभी देखिए आटा रखा है, तो ये पराठा बनाने की तैयारी करके, चलो एक एक दो दो पराठे खा लेंगे चाय के साथ। तो मैंने कुछ नहीं कहा कि पराठे बना दो, ये बताओ मैंने बोला है। मैं नहीं बोला। इन्होंने ये कहा कि मैं आज मैं देखता हूँ कितनी गर्मी लगती है किचन में, जैसे तो गर्मी लगती है बड़बड़ा जाती है ना। तो कह रहे चलो आज मैं बना के खिलाता हूँ पराठे। तो हमारी छोले की सब्जी रखी हुई है, तो छोले, चाय, पराठा जैसे भी बनेंगे बना देंगे। भारत का नक्शा, चीन का नक्शा। सेफू कहेगी दीदी जीजा तो रोटी भी बना लेते हैं। सेफू देख तेरे जीजा देख ले क्या बना रहे। ये देख आटे की लोई टूट गई है, अब ये देखिए कैसे बनाते हैं। अब ये बनाने के बाद पता चलेगा कैसे बनते हैं। एक मैसेज सैफो, देखो मैं पराठे बना रहा हूँ, जिस दिन तुम घर आओगी तुम्हें भी खिलाऊंगा। वैसे तो ये कभी बनाते नहीं, आज पहली बार पराठे बनाने की तैयारी कर रहे हैं, कभी भी नहीं बनाते ऐसे। तो चले गए, तो मैं अंदर का काम देखती हूँ, इतने ये कर रहे हैं तो कोई नहीं। कभी कभी हस्बैंडों को भी करना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है जब औरत गर्मी में बना सकती है पति के लिए खाना। यहाँ मैंने देखे कपड़े, भाई कपड़े अलमारी में लगा, और ये डैडी का नहा के पहनेंगे अभी। तो आप अनमोल और मैं करते कमरे रूम की सफाई, नाश्ता बन रहा है, इतने हम इतने रूम की सफाई कर देते हैं, देर हो जाएगी खाएंगे तो। इतने डैडी भी तो हम जब रसोई में होते जब करते हैं ना फटाफट। रानी सो रही है, मेरी रानी सो रही है, मेरी रानी खड़ी हो जाए मेरी। ये देखिए गाइस, मुल के पापा ने पराठे बना दिए, तो बच्चे कर रहे हैं नाश्ता, चाय भी बन गई हमारी, तो आइए आप भी खा लीजिए। सब अपने जीजा के हाथ का नाश्ता कर ले। कपड़े परोसे थे तो वो गट्ठे मेरे दे दी बना के, 3 किलो कपड़े दे दिए पुराने, और 100 रुपये दे के मैंने दरी ले ली है। तो हमारे यहाँ दरी वाला आता बिकने, तो आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये दरी ली है मैंने, खोली बेटा ये, तो पुराने दुराने कपड़े देखो हमारे किसी काम के नहीं थे वो, तो उसके बदले हमने ये कपड़े दे के और ये 100 रुपये दिए हमने इसके ऊपर से। तो ये दरी ले ली तो 100 रुपये की, मतलब पुराने कपड़े दिए बनाई लिए उसने बस। तो अब ये बिछाने का काम आ जाएगी हमारे, खाना वाना खाना बिछा के लेट गए, तो इससे थोड़ा हमारा ही प्रॉफिट है। 100 रुपये की दरी पड़ी हमें, वो फटे पुराने कपड़े हमारे किसी काम के नहीं थे। तो चलिए गए, तो बिस्तर तो लग गया, घर का काम हो रहा है हमारा है। वो पता क्या करते, काट काट के ना दरी बनाएंगे। ब्रो 10 मिनट है और मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ, और सब देखिए खा पी के घर का काम निपटा के सब लेट गए हैं, और हमारा काम हो गया है। तो आपको दिखाती है मैंने दरी कहाँ बिछाई है अभी। देखिए मैंने यहाँ बिछा दी है, अच्छी लग रही है दरी बैठने के लिए, सही है गर्मी में। चावल और दही, इधर अनमोल के पापा के लिए बनाई है रोटी, और अनुराग भी रोटी खा रहा है, चावल नहीं खा रहा है अनमोल। यहाँ पर चावल और दही, तो आइए आप भी दही चावल खाइए। तो चलिए A few moments later. देखिए गाइस अब आइए हमारी दोस्त, ऐसे तुमने भाभी
गोदाम बंदा करिए, बंदा करिए जरा, एसी चला रहे थोड़ी देर को, गोदाम बंदा करके। अच्छा बंद कर, बंद कर, ये अपने यहाँ छोटा खोला है, कौन सा वाला खोला? नहीं हमारा थोड़ी ना, तो हमारा तो ये पार्टनरशिप में था। अच्छा पार्टनरशिप, वहाँ भी सामान रखते थे ना भाई, बता रहे थे। अरे गले में मिलना, तुम तो गले में ना मिलनी है। जय माता दी, जय माता दी। क्या ये मेरी दोस्त? नहीं ये मेरी दोस्त है, और इसका पति मेरे पति का दोस्त है। बेस्ट फ्रेंड। हेलो हाय कर दो। तो ये इनके बेस्ट फ्रेंड स्कूल के, और ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड, ये दोनों दोस्त और हम दोनों दोस्त। मेरी दोस्त बहुत अच्छी है, और इसका सूट बड़ा सुंदर लग रहा है मुझे, मेरा दिल आ गया इसके सूट पर। नहीं सुंदर, हाँ अच्छा लग रहा। मैं भी लाई, मेरी मम्मी ने भी दिया मुझे। मैं बताऊं सूती कब हो जाते हैं हुए, मुझे भी नहीं पसंद सच बताओ, और ज्यादा दिन नहीं चलते, मुझे भी नहीं पसंद सर। बताऊं कॉटन के कपड़े मुझे नहीं पसंद, लाई थी बेकार हो गए एक बार में। हाँ वैष्णो देवी अच्छे लगे बस, अच्छे जो सही पहनी तक। हाँ अब लागे तो बहुत बुरे लग रहे हो। हाँ अब मैंने वो एक दो बारी पहनने के बाद फिर अजीब से हो जाते हैं। भाई बढ़िया था यात्रा, यात्रा बड़ी रही। ये लोग गए थे वैष्णो देवी, तो वहाँ से लाए हमारे लिए प्रसाद। आपको प्रसाद भी दिखा देते भाई, तो देखिए ये लाए हमारे लिए वैष्णो देवी से माता की तस्वीर। ये पहले भी लाई थी तो मैंने मंदिर में लगा रखी है, और ये प्रसाद है, और इसमें दो कड़े हैं माता रानी के नाम के। तो घर में हमारे पूरी फैमिली के लिए लाइए प्रसाद, सबको दे दिया अलग अलग इसने। ये देखिए प्रसाद है, जय माता रानी। नसीब वालों को प्रसाद मिलता है, ये बात हकीकत है। मेरा फोन दियो, कहाँ? देखिए हमने चाय नहीं बनाई क्योंकि गर्मी हो रही है, इसलिए कोल्ड ड्रिंक मंगा ली है। अभी बनाई मैंने चार वीडियो तुम्हारी, देखी है मैंने सारी। भाई साहब इधर आ जाओ ना, भाई साहब इधर आ जाओ ऊपर। मेरा यूट्यूब चैनल, मैं सारे दिन धूम में रहता हूँ, सारे दिन धूम में। अच्छा इसीलिए नहीं बैठ जाऊंगा सारे दिन। अभी तो हमने चाय पी, चाय पी के तो बैठे थे हम। अच्छा ये आईफोन देखो, इनका आईफोन फिफ्टीन बोलते हैं, 20 बोला। पहला मेरे पे ही आया सैंपल, पहले मेरे को ही भेजो नंबर डाल के देख, तेरे आ जाएगा कड़ा। कौन सा आ जाएगा? एप्पल कंपनी से मंगवाया सीधा, ये कड़े छोटे लाए। जी गाइस ममता और राजकुमार भाई सब चले गए हैं प्रसाद से, देखो खाना वाना नहीं खा के गए हैं, तो मैंने खाना बना लिया है, खाना खाते हैं हम। दोपहर के भी चावल रखे हैं बहुत सारे, रोटी बना लिए और खाना खाते हैं। और इसी की अब बहुत गर्मी हो रही है, मैं क्या करूं, मैं इतनी परेशान हो गई गर्मी में, रोटी बनाने का मन नहीं हो रहा। और आज अनमोल के मैं ब्लॉग बनाना भूल गया, आज अनमोल के पापा ने क्या खसी कोविड की बात कर दी, उन्होंने क्या करा कमरे से बाहर निकाला और रसोई की तरफ कर दिया उसका मुंह कूलर का, और जैसी हवा आई ना मैं कह रही आज आंधी तूफान कैसा आ गए, मैं डर गई कि एडजस्ट फैन की आवाज़ इतनी तेज कैसे हो गई। मैंने रसोई में से देखा तो अनमोल के पापा ने थोड़ा सा कूलर बाहर निकाल के रसोई की तरफ मुंह कर दिया उसका कूलर का, वो ऐसे उधर की बाहर निकाल के,
और इतनी कॉमेडी करते हैं, तो इसी कॉमेडी के साथ करते हैं हम इस ब्लॉग का एंड। तो कल मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, नए ब्लॉग में, एक नई टाइटल के साथ। तब तक लिए प्यार बाटी, खुशी बाटी, अपने अपने घरों में सुरक्षित रहिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड टाटा बाय बाय। और प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो टाटा बाय बाय।